चलो सर, कैसे हो आप सब लोग? तो भाई आज जो है TVS राइडर 125 का हाइट टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कई सारे भाई जो अपने साथ हैं, इसकी कम हाइट भी है किसी की ज़्यादा भी है, तो अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, मतलब कंफर्टेबल जो है कितनी हाइट के साथ में रहेगी, तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो है भाई की हाइट है लगभग 5-10 के करीब है, 5-10 के करीब है ना भाई आपकी हाइट। तो भाई के दोनों पैर आराम से पहुँच रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी जो है थोड़ी कम हाइट वाले ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे बाइक की हाइट कितनी है आपकी? 5.3। तो 5.3 है, तो अभी इनसे देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत आएगी छोटी हाइट वालों को ही, तो वो अभी देख लेते हैं अभी। तो ये देखो, इधर से तो पैर टच हो गया नीचे की साइड, और इधर से भी हो गया, मतलब आराम से चला सकते हैं 5.3 वाले भी, और यदि 5.2 है तो वो भी जो आराम से इसको चला सकते हैं। उससे नीचे वाले को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी भाई की 5.5 है तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो ये देखो 5.5 वाला तो आराम से चला ही लेगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये देखो दोनों पैर आराम से पहुँच रहे हैं भाई के। तो अभी जो है मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ, मेरी तो हाइट है ही पूरी, तो फिर मेरे को दिक्कत आनी नहीं चाहिए, तो वो तो क्या ही दिखाना है। बाकी जो अभी राइड करके भी देखते हैं, राइड कराते हैं एक बार भाई से, फिर देखते हैं क्या, तभी जो भाई चला के दिखाएगा आपको। तो पैर अच्छे से मतलब ठीक ठाक पहुँच रहे हैं, ज़्यादा पूरी टिक नहीं रहे नीचे, तो पता चल जाएगा भी 5.3 वाले भी जो इसको चला सकते हैं, और वो भी पीछे पिलियन बिठा के। ये देखो, तो ये देखो भाई आराम से चला सकते हैं 5.3 वाले, 5.2 तक भी जो आराम से चला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली जो एक पैर पहुंचना चाहिए, एक पैर पहुंच गया समझ लो कोई भी चला लेगा फिर इजीली, बट हाँ जो सीख रहे हैं उनको दिक्कत आ सकती है। तो सही है हाइट वगैरह जो काफ़ी सही दी है, सीट हाइट वगैरह, कोई भी जो इसको इजीली राइड कर पाएगा 5.2, 5.3 या फिर जो है 5.4 तक आराम से कैसे भी चलाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सो ये था आज की वीडियो में, आपको जो है दिखा दिया मैंने कि 5.3 तक भी जो है आराम से आप राइड कर सकते हैं। तो बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो नीचे कमेंट कर लेना। बाकी इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।